आज तो सारा समझिए कि बैरियर टूट गया कि जो बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री और उनको जिस तरह से उन्होंने गंवार भाषा का उपयोग किया, अनपढ़ भाषा का उपयोग किया, अब इससे भी बड़ा रूप क्या हो सकता है जब सत्तारूढ़ पार्टी को भी बेल में आना पड़े। अब जो आदमी इतना दिन तक मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हों और उनके बारे में आप बोल रहे हैं कि भाई का उनको नियम कानून नहीं आता है, अरे माफी तो उनको मांगना चाहिए, माफी उनके मुख्यमंत्री को मांगना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की इज्जत को तार तार कर दिया, जो व्यक्ति संविधान का तार तार कर दिया हो, जो सदन के नेता खुद स्वयं जिस तरह से लग रहा था कि अब लगता है कि कूद करके आसन के ऊपर चढ़ जाएंगे, उनको बोलने का ऐसा मॉरल है? जो व्यक्ति यह बोल रहे हो कि महिला गंवार है, महिला पढ़ी लिखी नहीं है, अब सत्तारूढ़ पार्टी वाले को कोई मॉरली हक है कि इस तरह की बात करे? और सभी लोगों ने देखा, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा, देश के लोगों ने देखा, राज्य के लोगों ने देखा कि किस तरह से बिहार विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा तार तार हुई है। और आप बोलते हैं कि अशोक चौधरी जी ऐसी बात कर रहे थे, और आज तो सारा समझिए कि बैरियर टूट गया कि जो बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री और उनको जिस तरह से उन्होंने गंवार भाषा का उपयोग किया, अनपढ़ भाषा का उपयोग किया, अरे भाई आप कहते हैं कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं, आप महिलाओं की बात करते हैं, पांच कौन महिलाएं आए जिसमें आपका जमीर जगा था और उसी में आप ये बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं, तो इससे बड़ा जो बिहार के पहला महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी, जो व्यक्ति सदन में खड़ा होकर कि जो राज्य का मंत्री हो, माननीय मंत्री हो, और ऐसी बात कर रहे हो, तो इससे बड़ा विभत्स और क्या हो सकता है सदन का? अब इससे भी बड़ा रूप क्या हो सकता है जब सत्तारूढ़ पार्टी को भी बेल में आना पड़े, हम लोग के उस अधिकार को भी वो छीनना चाहते हैं, तो भाई इसमें हमको कुछ नहीं कहना सीधा। अरे माफी तो उनको मांगना चाहिए, माफी उनके मुख्यमंत्री को मांगना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की इज्जत को तार तार कर दिया, पिछले गत वर्ष आपने देखा होगा कि माननीय विधायकों, वो महिला हो चाहे पुरुष हो, किस तरह से सिपाही को घुसवा करके उसको पिटवाया गया, और वो आदमी अगर इस बात को कहे कि भाई हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा, तो इससे भी कोई दूसरा रूप हो सकता है? मंत्री कह रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं आप लोग, ना दलित का अपमान हुआ है महाराज कहीं का, वो उनको बोलने का ऐसा मॉरल है? जो व्यक्ति यह बोल रहे हो कि महिला गंवार है, महिला पढ़ी लिखी नहीं है, महिला अनपढ़ है, वही जो बिहार के पहला, आप कहते हैं कि तुम कानून नहीं आता है, अब जो आदमी इतना दिन तक मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हो और उनके बारे में आप बोल रहे हैं कि भाई का उनको नियम कानून नहीं आता है, तो भाई हमको कुछ इसमें नहीं कहना। अब सत्तारूढ़ पार्टी वाले को कोई मॉरली हक है कि इस तरह की बात करे? अब इससे भी बड़ा रूप क्या हो सकता है जब सत्तारूढ़ पार्टी को भी बेल में आना पड़े? इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।